नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्वेश्चन 5 का हल करेंगे। रेखा एल कौन ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कौन ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम त्रिभुज एक्यूबी। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है बीपी बराबर बीक्यू अर्थात बिंदु बी कौन की भुजाओं से समदूरस्थ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एल एक रेखा है जो कौन ए का समद्विभाजक है, यानी इस कौन को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। देखिए और कौन ए का जो भुजा है उस पर बी से एक लंब डाला गया है, बीपी और बीक्यू, ठीक है, दो लंब डाले गए हैं। सिद्ध करना है कि देखिए त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी दोनों सर्वांगसम होगा और बी पी और बी क्यू बराबर होगा, यह सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं। हल लिखें या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में देखिए कौन ए पी बी बराबर है कौन ए क्यू बी। देखिए ये दो कौन बराबर क्यों है, देखिए दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप कारण में लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री, ठीक है। यानी देखिए ए पी बी यानी ये कौन 90 है और देखिए ए क्यू बी यानी ये कौन भी 90 है। अब देखिए कौन पी ए बी बराबर कौन क्यू ए बी, ये दोनों कौन भी बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये कौन ए का समद्विभाजक है, एल एक समद्विभाजक रेखा है, तो ये दोनों कौनों को समद्विभाजक मतलब समान भागों में बांटता है, दोनों कौन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एल कौन ए का समद्विभाजक है, ठीक है, इसका कारण दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी दोनों में आ रहा, देखिए ए पी बी में भी और ए क्यू बी में भी ए बी आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, इसका कारण देंगे उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ए बी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किस नियम से हो रहा है, तो यहाँ देखिए कौन और ये भुजा इस त्रिभुज में, देखिए कौन और ये इस भुजा का प्रयोग, यानी यहाँ लिखेंगे AAS नियम, कौन यानी एंगल साइट नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तब हम लिख सकते हैं, देखिए PB बराबर QB, ठीक है, इसलिए देखिए PB लिखें या देखिए पीबी लिखे या बीपी लिखे एक ही बात है, बीपी बराबर बीक्यू, ठीक है, तो ये दोनों बराबर क्यों होगा, तो इसका कारण देना होगा सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए पीबी यहाँ है, इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए इसको पी बी बोले या बी पी बोले एक ही बात है, पी बी बोले या बी पी, तो यही सिद्ध करना था, यानी यही दिखाना था हमको, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दें, और सर्वांगसता नियम के बारे में अगर डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।